20 को पीरियड्स आने थे, आज 24 हो गए, पीरियड्स नहीं आए, तो आज मैं करूंगी प्रेगनेंसी टेस्ट फिर से। सो गाइज, ये लाइव एग्जांपल है कि ऐसा कई बार होता है कि आप प्रेग्नेंट होते हो लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में शो होता है नेगेटिव रिजल्ट, मेरे पीरियड स्किप हो चुके हैं, पीरियड जिस डेट को आना चाहिए था नहीं आया, 4 दिन बीत गए हैं, टेस्ट किया मैंने तो दोबारा से नेगेटिव रिजल्ट आया। और ऐसे मैं लगातार 10 दिनों तक टेस्ट करती रही और रिजल्ट मेरा नेगेटिव नेगेटिव ही आ रहा था। अगर आप भी सेम सिचुएशन से गुजरे सो डोंट लूज होप, थोड़ा और वेट करें, हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। अभी आपको लगने वाली है सुई, सुई लगेगी। हाथ लगा रही है क्या? हाँ बता रही है कि मेरे को सुई लगेगी। हाँ और कुछ हमारा हाँ आपको लगने वाली है सुई, हमारे का वैक्सीनेशन करवाने एंड पासपोर्ट बनवाने भी गए थे सुबह सुबह पर नहीं कर पाया, उसकी वजह से प्रिंस बहुत सैड है। तो एड्रेस प्रूफ चाहिए, उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बना लीजिए या फिर बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए, अपने साथ किसी एक पेरेंट को बनवाना होगा जॉइंट अकाउंट, तो उसमें फोटो सब बात की एक बात नहीं बना कोई डाइट करेगा। हमारा हाय बोला आपने डॉक्टर अंकल को, हाय बोला, हाय बोलो, हाय हमारे, ये देखो 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 ये देखो ये देखो मैरा इधर देखो सो गाइस, अभी भगवान जी से आशीर्वाद ले रही है हमारा, थोड़ी देर पहले उसकी वैक्सीनेशन हुई और इस बार वो रो गई, लास्ट टाइम वो नहीं रोई थी। अब हम आए हैं हमारे न्यू फ्लैट में, यहाँ हमारा बार बार गई थी अंदर बाहर करने के लिए क्योंकि वो जब डोर अपने आप खुल रहा था उसको बहुत मजा आ रहा था। और पिछली बार जब हम पहली बार अपने फ्लैट में आए थे तब हमने होम टूर का वीडियो शूट किया था, बट क्योंकि हमने माइक यूज नहीं किया था ऑडियो इतना बेकार आया था ना कि बस पूछो मत। सो आप लोग बोल रहे थे रूम टूर नहीं दिखाया, दिखाया है विनाशल पे, आप देख लेना, बाकी आप देख लो किसी कैसी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे, बहुत ही बेकार आवाज़ आई थी। एंड गाइज, मैं इतना गोल गोल घूम रही हूँ, नाच रही हूँ, कूद रही हूँ, हमारा को गोदी ले रही हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि कुछ दिनों में रिजल्ट कार्ड में पॉजिटिव दिखने वाला था, अब तक फॉल्स नेगेटिव नजर आ रहा था। 40 फ्लोर के प्लस है, एग्जैक्ट फ्लोर नंबर नहीं बताना चाहते हैं। बिल्डिंग कितने फ्लोर की मैडम? 60 ना, 61 फ्लोर की बिल्डिंग है। और देखो नीचे क्लब हाउस में स्विमिंग पूल भी थी, हमारा बहुत खुश हो गई मेन लेके पूल एरिया, देखो फिर भी हमारी भी लग रही है, ये स्विमिंग है, शेड एरिया है, तो तीन स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस तो बहुत मजेदार है। और एक बार नीचे दिखाओ ना क्या हाइट है यार, ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, घर आपका भी, क्योंकि आप वीडियोस के थ्रू हमारे घर को डेली अक्सर देखोगे, एक आध महीने लगेगा एंट्री करने में, उसके बाद तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे घर में। तो ये है सिटिंग एरिया, यहाँ लिविंग का ही सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आएगा टीवी, यहाँ आएगा सोफा, और ये है डाइनिंग, ये है थोड़ा सा डाइनिंग एरिया, बहुत ज़्यादा स्पेस दे रखा है डाइनिंग एरिया के लिए, देख रहे हो क्योंकि उस दिन ऑडियो बहुत बुरी आई थी तो दोबारा से आके मुझे शूट करना पड़ा, तो आज ये मैं सूट पहन के आई थी शूट करने के लिए होम टूर। सो ये वाला वीडियो आपने भी नेशनल पे देखा होगा, ये नीचे का लॉबी एरिया है, सो यहाँ बैठ करके चिल कर सकते हो, अगर आप मुझसे मिलने आओगे तो ये वेटिंग एरिया है जो कि लॉबी एरिया को काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड बनाता है। सो हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया और हम एमिनिटीज़ देखना चाहते थे लेकिन अभी भी एमिनिटीज़ बन के तैयार नहीं हुई है, इसको तैयार होने में थोड़ा और टाइम लगेगा, मैं वेट कर रही हूँ फटाफट से स्विमिंग पूल बने एंड हमारा को लेके जाऊँ, मैंने उसकी नई स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी मंगा ली है एंड जब ऊपर देखते हैं ना सर घूम जाता है यार, कुछ ज़्यादा ही हाई राइज है, ऑल द करेंट जहाँ भी हम रह रहे हैं ना वो भी काफ़ी हाई राइज अपार्टमेंट है हमारा। एंड लॉबी एरिया से बाहर निकलते ही यहाँ कार पार्क होती है, मतलब रुकती हैं कार से उतर करके फिर पार्किंग एरिया में जाते हैं, एंड ये थोड़ा वॉकिंग एरिया दे रखा है यहाँ पे, ऑल्दो प्रॉपर गार्डन एंड अमेनिटीज दूसरी जगह पे भी है, दूसरे फ्लोर पे भी है,
बट अभी वो विज़िट नहीं करने दे रहे हैं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो तब तक हम लोग यहीं पे खेल रहे थे। अच्छा है, घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो गार्डन में आ करके, मतलब लिफ्ट से उतरते ही नीचे गार्डन एरिया है, सिटिंग एरिया है, तो यहाँ हम बैठ सकते हैं। अब ये वाली फैसिलिटी अगर हम खुद का घर लेते तो वहाँ नहीं मिलती कि घर से उतरते ही सामने आपको ऐसे गार्डन मिल जाए, आपको फिर कहीं और जाना पड़ता है एंड बहुत सारी एमिनिटीज़ नहीं मिलती हैं। प्लस यहाँ सेफ्टी तो भाई बहुत ही अच्छी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है बच्चे के लिए बहुत सेफ है, बहुत बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ। गाइस मैं बहुत हैरान थी कि मेरे को कोई प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं था, मेरी पीरियड्स को मिस हुए 1 हफ्ता हो गया था, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी एंड फिर भी रिजल्ट देखो क्या आया। अमायरा क्या कर रहे हैं हम लोग? अमायरा आपको पता है मम्मा क्या कर रही है? हाँ देखो 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 देखो, मम्मा टेस्ट कर रही है कि आपका छोटा भाई या बहन कौन आने वाला है। हाँ कौन आने वाला है मायरा? देखो 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 कौन आएगा। हाँ कितनी लाइनें आई हैं इसमें, अभी तो 1 ही है। और एक बार फिर से मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया एंड इस बार मैं एकदम, मुझे विश्वास हो गया था कि मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, इस बार बस मेरी पीरियड्स मिस हो गए हैं, पर वो आ जाएंगे क्योंकि टेस्ट तो हमेशा नेगेटिव ही आ रहा है पिछले इतने दिनों से। किससे? अगेन नेगेटिव, अब मैं कोई टेस्ट नहीं करने वाली कुछ दिनों तक। मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे थे एंड प्रेगनेंसी टेस्ट किट में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा था, मैं हार मान गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद एक मैजिक हुआ। लेट्स सी, कैमरे से क्लियर आ नहीं रहा था, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड अभी तक एक लाइन आई है। हद हो गई यार, पीरियड्स गए मेरे कितने दिन हो गए, अब तो लगभग 10 दिन हो गए, उसके बावजूद भी ना पीरियड्स आ रहे हैं ना 2 लाइनें आ रही हैं। आई डोंट नो, वैसे इसके ऊपर लिखा है कि 5 मिनट तक रिजल्ट आप देख सकते हैं, सो आई थिंक मैं इसको रख देती हूँ एंड 5 मिनट बाद देखती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, लेट्स सी। दो लाइनें हैं एंड येस आई एम प्रेगनेंट। गाइज देखो 2 लाइनें आ चुकी हैं एंड इसने आने में टाइम लगा दिया यार, बहुत ज्यादा, मतलब 10 दिन लगा दिए 2 लाइन दिखाने। इतनी ज्यादा गाड़ी लाइनें आई है और डालते ही वेट करने पे आते हैं। हाँ हाँ, अभी जस्ट ड्रॉप डाला है एंड आ गई है लाइन, हमारा देख रही है। मैंने 2 अलग अलग किट में टेस्ट किया था, एक में लाइन एकदम ही हल्की नज़र आ रही थी और एक में थोड़ी डार्क नज़र आ रही थी। मैंने दोनों ही डॉक्टर को भेजा, मैं कंफ्यूज थी कि है कि नहीं, पर उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर आगे उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह कराने के लिए बोला, जो कि अगले दिन हमने BETA HCG का टेस्ट बुक कर दिया था। सो इसके अंदर जो लेवल आएगा वो डिसाइड करने वाला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। मतलब वैसे टेस्ट किट में तो पॉजिटिव आ गया है, बट होता है ना कि ब्लड वाले में भी आ जाए तो फिर कॉन्फर्मेशन मिल जाती है 100%। सो हमारा यहाँ बहुत डर रही थी, चेहरा देखो। नहीं लगेगी आपको? नहीं लगेगी? आ जाओ पापा के पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ कम। अरे बच्चे अब आओ ना, अरे डर गई हमारे। देखो ये देखो ये देखो, वो पापा के पीछे से छिपके देख रही है। गैस शाम तक रिजल्ट आ गया था एंड रिपोर्ट में 48 लेवल आया था एंड मुझे नहीं पता क्यों डॉक्टर ने बोला कि दोबारा से आपको रिपीट करना चाहिए ये टेस्ट, 48 आवर्स बाद दोबारा से टेस्ट कराने के लिए बोला, मे बी ग्रोथ देखने के लिए कि कितनी तेज़ी से BETA HCG का लेवल बढ़ रहा है। तो आई वॉज वेटिंग फॉर द सेकेंड टेस्ट। आज मेरा दोबारा से टेस्ट होगा BETA HCG का। क्यों सुई लगवा रहे हो तुम मुझे इतनी सारी? अपना तो दिखाओ, दर्द होने वाला है। हमारे को भी बहुत डर लगता है सुई से, लास्ट टाइम बहुत डर रही थी, आज का मैं देखूंगी इसका रिएक्शन, आज भी डरी या नहीं, कोशिश करेंगे इसका डर बाहर निकालने के लिए। अच्छा, पर टेस्ट दोबारा क्यों करवा रहे हो तुम? मैं नहीं करा रहा, उसमें रिपोर्ट में आया था कि 48 आवर्स बाद दोबारा एक सैंपल लिया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद देखते हैं उसमें जो BETA HCG का लेवल होता है 5.6 से लेके 50-80 तक होता है, वो ऐसा उनको लग रहा है कम है ना, प्रेग्नेंट तो बेसिकली बेबी के लिए मेरी बेसिकली उनको देखना है कि ग्रोथ कितनी हो रही है, सही हो रही है नहीं हो रही है। 48 घंटे का 2 दिन का उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि डबल लेवल ना पूरे जो भी एक पैरामीटर है वो दोबारा डबल हो जाएंगे। ठीक है, डबल हो गए तो अच्छी बात है। नहीं होता, नीचे देखो देखो मम्मा का, ये देखो देखो हमारा, देखो 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 यहाँ लगा था, परसों लगा था। अरे इंजेक्शन तुम देख लो, मैं को डर लगता है, मैं नहीं देखूंगी। हाँ ठीक है, खुद डर लगता है आज तक।
गाइस मेरे को सुई लग चुकी है और मेरे को तो दर्द होता है बहुत, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि हमारा ना डरे। कहाँ लॉस्ट हो गए? हाय प्रॉपर्टी के दाइस। देखी मैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टी खुद ही बना लूंगी। सो बीटा एचसीजी की रिपोर्ट दूसरी भी आ गई है और उसके वो अच्छी आई है, हमें तो देख के अच्छा लग रहा है, जो कि हर दो दिन बाद जो डबल हो जाता है, वो जो रेशो है वो डबल होता है, ये 3 गुना ज्यादा हुआ है। हाँ, पहले 48 था, अब आया है 148। सो डॉक्टर ने बोला है गुड, और अभी हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो जा रहे हैं उनसे मिलने, तो लेट्स सी वो क्या बोलते हैं। सो ये वीडियो बहुत लेट पोस्ट और होगा। मैं बता कितनी खुशी है हमारा बोल ऑटो को बुलाओ। ऑटो देखो ऑटो को बुला रही है। ऑटो बोलो। देखो ऑटो आ गया, आ गया ऑटो, बोलो ऑटो। ऑटो सरप्राइज डॉक्टर से मिल गया, एंड डॉक्टर ने बोला कि 3 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। चलो कैट को किसी कर दो, कर दो, मैं कोई खाना दे नहीं रहा। सो फाइनली इतने इंतज़ार के बाद आई एम प्रेगनेंट अगेन, एंड इस जर्नी में एक नई चीज़ पता चली अबाउट डिलेड कंसेप्शन। तो मेरे पीरियड्स तो गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे रिजल्ट में नेगेटिव इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरा ओवुलेशन लेट हुआ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, हार्मोन्स इधर उधर थे, हमारा ब्रेस्ट फीड कर रही है अभी भी, सो मे बी इसलिए। सो इसे अर्ली प्रेगनेंसी भी बोलते हैं एंड डिलेड कंसेप्शन भी बोलते हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसके बारे में विस्तार से मैं कभी और आपसे बात करूँगी। कड़क बाल मेरे। हमारा को भूख लगी है तो हमारे भूखे लग रहे हैं, पर मुझे भी भूख लगी है, हमारा मैं कैसे खाऊं, मुझे कौन खिलाएगा? तुम्हारा खा सकते। मैं खिला रही छोटे बाबू को, पापा कह रही है बातें कम, बनाना खिलाओ। सेम डे हम गए मॉल में अमारा को पोलियो की ड्रॉप्स देने के लिए। हाँ, जब पोलियो ड्रॉप्स देते हैं ना तो मॉल भी आप जा सकते हो, तो वहाँ जो रिसेप्शन का एरिया होता है ना वहाँ पे आते हैं वो ड्रॉप्स देने के लिए। ये मुझे पहले नहीं पता था, अभी इसके बारे में पता चला। सो उनके आने में थोड़ा वक्त था, तो हम ऊपर शॉपिंग कर रहे थे, जब वो आ गए तो प्रिंस अकेले नीचे गए अमारा को पोलियो ड्रॉप्स देने के लिए। मैं नीचे नहीं जा पाई क्योंकि मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर ने बोला कि देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, थोड़ा संभल के थोड़ा ध्यान से, सो चीज़ें लाइट ही करना। तो अब मैं लाइट कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि बार बार मेरी ना टेस्ट किट में नेगेटिव रिजल्ट आ रहा था, मैंने चीज़ें लाइट नहीं ली, मैं इधर उधर घूम रही थी क्योंकि मुझे लगा रिजल्ट तो नेगेटिव आ रहा है। मैंने हमारा को गोदी लिया, जो कि लेने से मना किया है कि प्रेगनेंसी में बच्चे को गोदी नहीं ले सकते, ब्रेस्ट फीड भी नहीं कराना है, बट वो भी हमारा छोड़ती नहीं है। ऊपर से मैं कुछ वीडियोज़ ऐसी बना रही थी जिसमें मैं दौड़ भाग भी कर रही थी, भाई साहब वो नहीं करना चाहिए था, अभी लग रहा है कि सब सही रहे भगवान। सो गाइज कीप ब्लेसिंग अस, और मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी की जर्नी देखनी है तो डू सब्सक्राइब, मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एंड बहुत मज़ा आएगा यार। ये पहली बार में भी बहुत इन्जॉय किया हमने, और इस बार भी ये देखो हमारा का शॉर्ट शूट करते करते क्या हुआ। मैंने कहा मैंने क्या बताया, मैंने क्या बोला, तुम देखना चाहोगे तुम कैसे आए, देखो।